बेसुरा कहीं का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्लूस्टार गेमिंग। मैं आपका दोस्त यश एके एक लुकू आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे मेरे दुलारे चैनल क्लूस्टार गेमिंग में। कितनी बार बोलूँगा यार। तो यार आज का वीडियो में हम लोग एक और पॉडकास्ट बना रहे हैं यार। पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट आया जा रहा है। पहले वाले पॉडकास्ट पे आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया इसलिए मैं शुक्रिया कहूँगा। इतना भी अच्छा नहीं था बट हाँ यार, स्टिल मेरा चैनल जितना डेड है उससे अच्छा तो भाई बहुत ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैक स्टोरी या फिर कह सकते हो ऐसा क्या मतलब मेरे दिमाग में आया कि जो है मैं अपने मेन चैनल को छोड़ के भाई एक्सपर्ट मेलोडी पे इतना वर्क करने लगा एंड भाई वो चैनल डेड था सीरियसली। तो होता ये है 2020 में मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ एंड उस चैनल को मैं एज ए बैकअप बनाता हूँ टाइम पास। तो उस पर मैं बाद में सोचता हूँ कि कंटेंट अपलोड करूँगा सेम टू सेम बट थोड़ा अलग, मतलब डाउनलोड लिंक वगैरह प्रोवाइड करूँगा ताकि स्ट्राइक वगैरह ना पड़े। देखो इतना मैं अभी सोचता था भाई, इतना छोटा था फिर भी। तो भाई फिर मैंने जो है ना इस चैनल के लिए मतलब थंबनेल नेम वगैरह सोचा द क्लू द स्टार। अगर तुम लोग अभी भी मेरे वीडियो जाके चेक करोगे ना कुछ नीचे वाले तो उस पर अभी भी जो है ना CTS करके आएगा, तो वो वाला क्लू द स्टार का है। तो भाई उसके बाद मैंने जो है ना इस पर कुछ वीडियोज़ अपलोड की एंड उसमें से एक था पंजाबिया दी रिमिक्स या ये अपलोड करने के 6 महीने बाद यानी कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो गई थी एंड देन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इस चैनल पे जो वो वीडियो है वो 1K+ चला गया। और ये मेरे लिए बहुत अजीब जैसा ही फील कर सकता है क्योंकि यार मेरे मेन चैनल पर अब तक सिर्फ इकलौता वीडियो जो 1K+ गया है, बाकी कोई ऐसे फुल वीडियोज़ की बात कर रहा, शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, फुल वीडियो है जो 1K+ गया है। और मैंने सोचा कि यार म्यूज़िक में रेंज अच्छी मिलेगी एंड मैंने जो है इस चैनल को वापस से शुरू किया। बट अभी इसका नाम था स्टार म्यूज़िक प्रोडक्शन या स्टार म्यूज़िक प्रोडक्शन नाम रख दिया गया था। अभी स्टार म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है ना गाइस वो इंस्पायर था क्लूस्टार गेमिंग से, समझ ही रहे हो ना स्टार म्यूज़िक प्रोडक्शन। अब यार इस चैनल के ऑलरेडी बहुत सारे मतलब चैनल्स एग्जिस्ट करते तो भाई मैं बोला यार अपना चैनल चलेगा या नहीं। अब देखो मैं अकेला 2 चैनल संभाल नहीं सकता, दैट्स वाई मैंने सोचा यार मतलब मैंने जो है ना कुछ वीडियो अपलोड किए थे वैसे ही मेरे भाई ने अपना खुद का एक अलग सा चैनल बनाया जिसमें उसने जो है ना बहुत सारे मतलब सॉन्ग्स अपलोड किए। देन मैंने उसको जस्ट ऐसे DM करके बोला क्या हम लोग एक साथ कोलैब करें, कोलैब में ही चैनल चला देते। तो वो भी हाँ बोल दिया। तो यार हम दोनों ने मिलकर चैनल चलाया एंड तब के वक्त में इस पर 75 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी थे ड्यू टू भाई क्लूस्टार गेमिंग की फैम। भाई आप लोगों ने पहले ही करके रखे थे इतने एंड देन जो है ना मतलब जितने सब्सक्राइबर थे। अभी हम लोग का चैलेंज था कि इसको ग्रो कैसे करें। चैनल 100% डेड था, इसकी रीच डाउन है और अभी भी डाउन है ये मैं मानता हूँ क्योंकि यार हम लोग इतना फोकस नहीं कर पाते कभी कभी चैनल पर। हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बट हमारा वो कंटेंट पे व्यूज़ आए या ना आए वो आप पे डिपेंड होता है एंड हम लोग इससे कुछ अर्न तो करने नहीं वाले क्योंकि यार कॉपीराइट इतना आता है एंड हम लोग का तो चांसेस भी है मोनिटाइजेशन रिजेक्ट हो जाए। और अगर आप पे एड्स वगैरह दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि जो मेन जो कंटेंट क्रिएटर है या फिर जिनका ये ओरिजिनल कंटेंट कह सकते हो वो लोग इस पर एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। भाई कुछ कुछ जो है ना यूट्यूब वाले हम लोगों ने बहुत सारे इस पर जो है कह सकते हो तुम लोग की हम लोगों ने डिसएग्री किया कि ये कंटेंट हमारा होना चाहिए बिकॉज हम लोग इतना रिमिक्स करते हैं, मैशअप करते हैं, हम लोग खुद से बना रहे हैं। सो आप लोगों को भी भाई थोड़ा समझना चाहिए ना। तो कुछ लोग भाई वापस ले रहे थे, कुछ कुछ नहीं ले रहे थे। चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं अर्न करेंगे कुछ बात नहीं, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, आपको मज़े आ रहे हैं, बस इतना ही चाहिए गाइस। और ऐसी फैम में सपोर्ट करते रहना। पर हाँ यार एक चीज़ में हार्ट ब्रोकन होगा अगर इन फ्यूचर मेरे को यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन ना मिले बिकॉज यार वही मेरा मेन टारगेट है, वही मेरा मेन मोटिव है यूट्यूब पर रहने का। मेरे को कुछ भाई अर्न नहीं करना है यूट्यूब से, अर्न वगैरह नहीं करना है, चैनल वगैरह कुछ नहीं भाई। अपने को चाहिए वो सिल्वर प्ले बटन, वो मेरा ड्रीम है एंड आई वांट टू कंप्लीट माय ड्रीम। ओके सो आ जाते आगे। तो हम दोनों ने चैनल चलाना स्टार्ट किया। अभी यार मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग गया था बिकॉज चैनल का नाम था स्टार म्यूज़िक प्रोडक्शन जो डेडिकेट करता है मेरे को अकेले को भाई। सो यार मैं सोचा स्टार म्यूज़िक प्रोडक्शन अकेले मतलब अकेला से मेरे को डेडिकेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल क्लूस्टार गेमिंग से 100% अलग हो जाए क्योंकि यार हम लोग मैं अकेला तो मेहनत नहीं कर रहा हूँ चैनल पर, मेरा भाई भी मेहनत कर रहा है। सो मैं सोचा यार इसका नेम चेंज करते हैं। अब यार नेम चेंज करना तो हम लोग को एक ऐसा नाम ढूंढना पड़ेगा जो बहुत तगड़ा हो और वो किसी ने रखा भी ना हो। तो भाई मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ एक्सपर्ट, इतना मेरे को समझ आया था। एक्सपर्ट का मैंने एक्स मतलब ई हटा दिया था तो XPERT हो गया था एक्सपर्ट, थोड़ा यूनिक सा था एंड मैंने एक्सपर्ट सोच लिया था कि ऐसा नाम नहीं होगा। सो भाई पहले मैंने सोचा था एक्सपर्ट म्यूज़िक करके रखूँगा, देन मैंने चेक किया तो इस नाम के चैनल एग्जिस्ट करते हैं और कुछ सॉन्ग्स भी थे शायद, तो दैट्स वाई मैंने सोचा यार एक्सपर्ट है। बट अभी हम लोग इसमें कुछ और ऐड करते हैं।
सो भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, एक्सपर्ट मैशअप ट्राई किया, बहुत सारे अलग अलग नाम ट्राई किए, बट यार फिर मेरे को एक याद है 10th में हम लोग को एक कह सकते हो तुम लोग एडवर्टाइजमेंट राइटिंग था, जिसमें जो है मतलब एक मेलोडी करके कुछ तो था, यानी कि एक कॉम्पिटिशन होता है जिसके लिए आपको लिखना है, उसका नाम था मेलोडी करके। देन यार मैंने सोचा यार ये अच्छा आइडिया है, मेलोडी का मतलब भी तो अच्छा होता है, तो मैंने एक्सपर्ट मेलोडी कर दिया भाई, तगड़ा वाला बन गया, XM जिसका शॉर्ट फॉर्म भी बना दिया। एंड फिर यार मैंने सोचा इसके एक टैगलाइन भी अच्छे से सोचेंगे, तो मैंने टैगलाइन सोचा म्यूज़िक कैन चेंज द इंटायर लाइफ। या मेरे को भाई ये सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। रीज़न ये है, 10th में भाई इतना पढ़ाई करता था बट रात को भाई मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनता था। रीज़न यार सॉन्ग से आपका माइंड फ्रेश होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो भाई मैंने सोचा यार सॉन्ग्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दिया, एक्सपर्ट मेलोडी म्यूज़िक कैन चेंज द इंटायर लाइफ, तो मैंने यही किया। एंड मैंने इस चैनल पे एक चीज़ की कि भाई इसमें प्लेलिस्ट वगैरह अच्छे से अरेंज किया मैंने, जो पहले के प्लेलिस्ट थे वो सारे वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट से हटा दिया। रीज़न ये है मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो जो है ना वो रहे, क्योंकि उस पर क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा ख़राब मैंने परफॉर्मेंस दिया। एंड मैंने उनमें से बहुत सारे सॉन्ग्स को वापस बनाया और अच्छी तरीके से मेरे भाई ने भी बनाया, और हम लोग अभी भी चैनल पर मेहनत करते हैं। हम लोग का डेली टारगेट होता है 2-2 वीडियो अपलोड करना, पहले हम लोग जो है 3-3 1-1 वीडियो अपलोड करते थे डेली, बट अभी हम लोग 2-2 वीडियोस अपलोड करते हैं डेली। और हाँ मैं जानता हूँ कि पिछले 18-19-20 ऐसी कुछ तारीख को जो है ना हम लोगों ने सिर्फ सिंगल वीडियोस अपलोड किए। रीज़न ये था कि यार देखो मेरा भाई जो है इनएक्टिव था चैनल पर, क्योंकि भाई उसके डिवाइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, और मेरा भी भाई एग्ज़ाम चल रहा था, दैट्स वाई मैंने जितना हो सका भाई वीडियोज़ बना के प्रीमियर वगैरह कर दिया था, फिर बाकी मेरे से नहीं हो पाया, दैट्स वाई हम लोगों के वीडियोस कम आए। वरना भाई हम लोग, भाई तुम लोग सोच रहे हो 2 महीना भी नहीं हुआ हमारे चैनल को बन के, मतलब पूरा हम लोगों ने जो रीस्टार्ट किया ना वो 2 महीना नहीं, और हम लोगों ने 200 वीडियोस अपलोड किया है। सीरियसली 200 वीडियोस भाई छोटा अमाउंट नहीं है ये, बिकॉज हम लोग जो है सॉन्ग्स अपलोड करते हैं, सॉन्ग्स मोर देन 3 मिनट के तो होते ही है, कोई कोई सॉन्ग्स 8-8 मिनट के होते हैं। सो भाई हम लोगों ने नियरली 200 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना ताकि हम लोग और आगे आए। बट हाँ यार एक चीज़ होता है सॉन्ग्स के चैनल पर कि स्ट्राइक पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, बस यार इससे बच जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और गाइस आप क्लस्टर गेमिंग पे भी सपोर्ट कर लिया करो यार, ऐसे ही मैं स्टोरी टाइम वीडियोस लाऊंगा, गेमिंग वीडियोस भी लाऊंगा, और मेरे को गेम्स वगैरह सजेस्ट करो। एंड हाँ एक और चीज़ यार, स्टोरी टाइम वीडियो में अगले वाले स्टोरी टाइम वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे माइनक्राफ्ट की सीरीज़ बाकी सीरीज़ कैसे एंड हुई है, सबके बारे में एक अच्छा सा अलग अलग किस्सा है मैं आप सबको बताऊंगा, एंड मैं बताऊंगा मेरा बैड लक कैसा है भाई। तो यार होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और हाँ ये भाई हमारा हिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट मेलोडी के नाम से मैं अपलोड करूँगा, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि यार कैसे हम लोगों ने मतलब हम दोनों ने मिलकर चैनल बनाया, मेरे भाई ने और मैंने। तो मेरे भाई का इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दे दूँगा अपना क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरा तो भाई तुम लोग को पता ही होगा ना यशिंदे 24 करके 024 करके है, और क्लस्टर वाईटी करके भी है। तो अगर आप लोग क्लस्टर वाईटी के फॉलोइंग में जाके चेक करोगे तो हम दोनों का पर्सनल आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेंडे की बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में या तो गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।